get first and one run more, four run on the board. Thank you very much. Here is with me the captain of NCC, young Mohsin. Mohsin, who's the toss? What is your thought about the toss? He also wants to ball first. So he got it. You are going to ball first. Thank you very much. अगले में तो अकेला है ना सारा तो मतलब लगना आपको दारू वीडियो वो आकर आ तो थई जहला अगले में अकेला है ना अकेला है YouTube पर वैसे ये पहले लिंक जो हुई है मकई ले दे मुझे पर लिंक मोकल ये अभी भेज है अभी मोकल तो ये हाईलाइट देखा हां 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 जी जी मैंने अब अनिल लिंक YouTube ने मोकल दे दिया अनिल ने आई अभी जो लाइव आई वो तमाम दा अभी करता हूं मैं से अबे चेक कर दो बेटा जेडू चेक कर रिफ्रेश करो बोलिस तो मंगी जाके राउंड पे फेल के मैं आई रहा अभी क्या यहां पे देखा है मुझे अभी क्यों नहीं सौ दिन अभी क्यों रहा जूम करो दो वीक हो जा अभी और वॉइस तो करके आखा काम कर के दो ये तारा आउट तो फेव दूं क्या ना आज भाई रेडी रही हो ना अभी तुम्हारा चालू काम हो गया वो तुमने वेडिंग को आपको एक कर दिया स्क्रीन में और नीचे मॉनिटर ले कल प्लेयर कौन कल पता बैटिंग करी है Assalamu alaikum to all our viewers. This is the second match between Al Fatah 11 and NCC. Ishaq Patel is batting now and Arif Patel is bowling. Arif Patel ball karne ke liye Ishaq ne bahut hi achhi tarike se khela hai leg ki janib. Dekhna hai ki 4 run ho sakte hain ya nahi lekin ball ruk gayi wahi pe aur 2 run banane mein kamyab hua Ishaq Patel. Isi ke sath अल फतेह का स्कोर हो गया है 8-7 रन बिना किसी नुकसान के. एक ओवर और 3 गेंदें हुई है. इशाक पटेल खेल रहे हैं 3 रन पे और आरिफ खेल रहे हैं 4 रन पे. गेंद की उन्होंने और इशाक ने इसे खेलने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए. वो रन नहीं बना पाए. हाँ इधर आप लोग है नहीं बॉलर 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 अदनान अदनान गेंद करने के लिए आ रहे हैं इशाक पटेल को. अदनान ने गेंद की इशाक पटेल को और इशाक पटेल आगे निकल के ऊंचा शॉट खेला है और प्लेयर उनके नीचे बॉल के लेकिन कामयाब नहीं है कैच करने के लिए. और एक रन का इजाफा हुआ इशाक पटेल के स्कोर में और अल फतेह के स्कोर में. इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर अल सफा 9 रन बनाए हैं और कोई विकेट नहीं हुए हैं. अल फतेह बोलता है. बॉलर नेम इज नाउ साहिर नहीं तौसीफ तौसीफ पटेल कप्चा कप्चा नहीं कप्चा नहीं बोलते ना पटेल ना पटेल सनम इज पटेल यू हैव टू से द पटेल दिस इज अ कप्चा तौसीफ पटेल एनसीसी की तरफ से बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं और उनके सामने इशाक पटेल काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी हैं. इशाक पटेल का इसी ग्राउंड पे 200 रन नो डाउट का स्कोर है. काफ़ी अच्छे बैट्समैन है वो. जस्ट वॉच इशाक पटेल हाउ ही बैट. तौसीफ गेंद करने के लिए आ रहे हैं इशाक पटेल को. उन्होंने गेंद की और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है 4 रन के लिए. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक मिड विकेट की जाने इशाक की तरफ से 4 रन. एनसीसी
तौसीफ पटेल की अगली गेंद इशाक पटेल को, तौसीफ आया गेंद की और इशाक पटेल ने इसे खेलने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं है, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तौसीफ पटेल की तीसरी गेंद इशाक को और इशाक ने इसे ऑफ साइड खेलने की कोशिश की, बीट हुए, बॉल गई सीधी कीपर के हाथ में, कोई रन का इजाफा नहीं हुआ। तौसीफ पटेल आ रहे हैं गेंद करने के लिए, इशाक को उन्होंने गेंद की और इशाक ने इसे ऑफ साइड खेला, कवर की जानी, कोई रन का इजाफा नहीं हुआ। काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इशाक तौसीफ पटेल एनसीसी की तरफ से। तौसीफ पटेल की अगली गेंद इशाक को और इशाक ने इसे ऊंचा खेला है, देखना है कि ये कैच पकड़ सकते हैं लेकिन नहीं कैच हुआ और ये दो एक रन बना। इसी के साथ एनसीसी का 11 हो गया, एनसीसी 11 का स्कोर हो गया 15 रन बिना किसी नुकसान के। आरिफ पटेल खेल रहे हैं 4 रन पे और इशाक पटेल खेल रहे हैं 10 रन बनाकर। तौसीफ पटेल गेंद करने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने गेंद की आरिफ को, आरिफ ने खेला, कोई रन नहीं बना पाए। तौसीफ पटेल गेंद करने के लिए आ रहे हैं आरिफ को, तौसीफ ने गेंद की और आरिफ ने इसे खेला है मिड विकेट की जानिब पे, दो रन बनेंगे वहां पर, देखना है कि दो रन बना पाते हैं और ये दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया। इसी के साथ दो रन का इजाफा अल फतह को। 3 ओवर की समाप्ति पे अल फतह का स्कोर हो गया 18 रन बिना कोई विकेट गवाए। तीन ओवर 18 रन। बॉलर कौन है? अदनान पटेल इस इनिंग्स का चौथा ओवर लेके आ रहे हैं मीडियम फास्ट। इशाक पटेल उनके सामने बैट्समैन, काफ़ी मंजे हुए बैट्समैन हैं, काफ़ी खूबसूरत स्ट्रोक खेलते हैं। अदनान पटेल ने गेंद की इशाक पटेल को और ये इशाक पटेल ने इसे खेल दिया है मिड विकेट की जानी, बहुत ही खूबसूरत छक्का, पहला छक्का मैच का, बहुत ही शानदार स्ट्रोक खेला है इशाक पटेल ने 6 रन के लिए। अब यहाँ जाओ, हट के जाओ, अपन बैठे हो। अदनान पटेल का एक बार फिर से इशाक को गेंद करेंगे, उन्होंने गेंद की, शॉर्ट पिच गेम और अंपायर की तरफ से ये वाइड बॉल करार दिया गया, एक और रन का इजाफा हो गया अल फतह के स्कोर में। अदनान पटेल राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, अदनान आए, उन्होंने गेंद की इशाक को, शॉर्ट पिच बॉल कवर के ऊपर से, ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला है इशाक पटेल ने 4 रन के लिए, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, काफी अच्छा खेलते हैं इशाक पटेल।
अदनान पटेल एक बार फिर से गेंद कर रहा है इसाक पटेल को, अदनान ने गेंद की, इसाक पटेल ने कवर पे खेला है, मिसफील्ड हुई वहाँ पे और ये एक और रन का इजाफा हो गया अलफता के स्कोर में। अदनान पटेल गेंद करने के लिए आ रहे हैं, अदनान पटेल ने गेंद की आरिफ पटेल को और आरिफ पटेल ने इसे खेलने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं है, बॉल गई सीधी कीपर के हाथ में, कोई रन का इजाफा नहीं हुआ स्कोर में। अदनान पटेल एक बार फिर से हैं, आरिफ उनके सामने, आरिफ ने ये ऊंचा शॉट खेला है, देखना है कि प्लेयर ये कैच कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत कैच किया और पहला विकेट गिरा, आरिफ पटेल आउट होकर आ रहे हैं वापस पवेलियन में। आरिफ पटेल ने 6 रन किए, 9 गेंदों का सामना किया है और कैच आउट होकर आ रहे हैं। इसी तरह से पहला विकेट गिरा है अलफता का 30 रन के स्कोर पे। तो बैट्समैन कौन है? हैं? और अभी अलफता की तरफ से वन डाउन के लिए आ रहे हैं शहबाज भट्ट, काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ये भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, देखना है कि वो कहां तक कामयाब होते हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है और अलफताह की तरफ से खेलते हैं ये। बिल्कुल सही। इस तरह एनसीसी को ये पहली कामयाबी हासिल हुई आरिफ पटेल को आउट करके, अलफताह 30 रन के स्कोर पे एक विकेट गिरा है और ये चौथा ओवर चल रहा है मैच का। इसाक पटेल ने 13 गेंदें खेली हैं, 22 रन बनाए हैं और अहमद भट्ट अभी स्ट्राइक लिया उन्होंने, अदनान गेंद करने के लिए आ रहे हैं भट्ट साहब को, अदनान ने गेंद की और भट्ट साहब ने इसे फाइन लेग के ऊपर से खेला, प्लेयर के ऊपर से होती हुई गेम गेंद एक रन के लिए, भट्ट साहब ने एक रन मुकम्मल किया, इस तरह से एक रन का इजाफा हुआ अलफता के स्कोर में। इसी के साथ 4 ओवर पूरे हुए हैं, अलफता 32 रन का स्कोर हुआ है और एक विकेट गिरी है। अलफता का स्कोर हुआ 4 ओवर के समाप्ति पर 31 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बॉलर मुसा, बॉलर बॉलर मोहसिन पटेल कप्तान एनसीसी की तरफ से बॉलिंग करने के लिए आ रहा है, इनिंग्स का 5वां ओवर स्टार्ट करेंगे। मोहसिन पटेल अपने बॉलिंग मार्क पे जाते हुए इनिंग्स का 5वां ओवर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, कप्तान हैं अपनी टीम के और उनके सामने अलफता के बैट्समैन भट्ट साहब है। मोहसिन की पहली गेंद,
मोहसिन ने ये गेंद की बट साहब को, और बट साहब ने इसे डिफेंसिव स्टॉक खेला मिड ऑफ की जानिब और एक रन मुकम्मल किया। इसी तरह से एक रन का इजाफा हुआ अलफता के स्कोर में। Why wasting your data? You want to live here, but you're wasting your data. मोहसिन पटेल की इस ओवर की दूसरी गेंद, इसाक पटेल उनके सामने बैट्समैन, मोहसिन ने गेंद की और इसाक ने इसे डिफेंसिव स्टॉप खेला और एक रन मुकम्मल किया। स्कोरिंग आउट हो ना मोहसिन पटेल अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए, और उनके सामने है भट साहब। मोहसिन ने गेंद की भट साहब को और भट साहब ने ऑफ साइड पे स्टॉक किया, सीधा कैच पॉइंट के ऊपर। इस तरह से भट साहब आउट होकर वापस पवेलियन में आ रहे हैं और एनसीसी की तरफ से ये दूसरी कामयाबी। मोहसिन ने अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल की भट साहब को आउट करके। कौन है ये बड़ा दूसरा कौन ना? अभी 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 हो जाए थाने जी, खबर नहीं जा रहा तो कभी का थोड़ी खबर है। ये छे ने गया नहीं थे आए बस वरेरिया ना स्टूडेंट छे स्टूडेंट। इस तरह से अल फता की ये दूसरी विकेट गिरी है 33 के स्कोर पे। अगल आओ खाली अगल आओ ना ला अगल आओ नहीं ना रे कपड़े रह गए कोई की मैच में कौन अगल आओ इधर सब बता दे सावन ने 14 ओवर में 23। मोहसिन पटेल अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए गेंद करेंगे इलियास को। मोहसिन ने गेंद की इलियास को और इलियास ने इसे खेला है मिड ऑन की जानिब, कोई रन का इजाफा नहीं हुआ। काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मोहसिन पटेल, अपनी टीम के कप्तान हैं। अल फता का स्कोर हो गया है 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पे और ये पांचवा ओवर चल रहा है इनिंग्स का। मोहसिन पटेल गेंद कर रहे हैं इलियास को, मोहसिन ने गेंद की इलियास को और इलियास ने आहिस्ता से खेला, कोई रन का इजाफा नहीं हुआ। मोहसिन पटेल एक बार फिर से, उनके सामने इलियास, मोहसिन ने गेंद की इलियास को और इलियास ने इसको खेलने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह से मिस किया, कम्प्लीटली बीट हो गए। इसी तरह से मोहसिन का यह कामयाब ओवर ख़त्म हुआ जिसमें इन्होंने भट साहब का विकेट लिया, काफ़ी वैल्यूबल विकेट था। और इसी के साथ अल फलाह का स्कोर हो गया है 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर के समाप्ति पे। अदनान पटेल 2 ओवर 17 रन 1 विकेट। मोहसिन पटेल एक ओवर दो रन 1 विकेट। ये कौन बोल रहा सर? सोहिल पटेल के सोहिल काम का छोकरा बॉलर कौन है? बॉलर साहिल पटेल। और अभी एनसीसी की तरफ से यंग बॉय सोहिल साहिल मालजी बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं। साहिल मालजी काफ़ी यंग प्लेयर है और काफ़ी टैलेंटेड बॉलर है, बहुत ही शौक रखते हैं क्रिकेट खेलने का, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छी एक्शन है उनकी। और उनके सामने इसाक पटेल बैटिंग करेंगे। साहिल मालजी अपना पहला ओवर लेफ्ट आर्म बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं। साहिल मालजी ने गेंद की इसाक को और इसाक ने इसे लेग साइड पे खेल दिया है और ये 4 रन, बहुत ही खूबसूरत चौका।
बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला इसाक ने। बॉस अब एकदम ना ना आपने तो नहीं साहिल माल जी गेन करने के लिए आ रहे हैं इसाक को। साहिल माल जी ने गेन की और इसाक पटेल ने इसे खेलने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं है। अंपायर का इशारा ये वाइड बॉल है। एक रन का इजाफा हुआ स्कोर में। कुर्सी आप नहीं साहिल क्या बैठनी है साहिल माल जी गेंद करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने गेंद की इसाक पटेल को और इसाक पटेल ने ऑफ की तरफ खेला है। काफ़ी अच्छा स्ट्रोक लग रहा है। दो रन्स हो गए वहाँ पे और इसाक ने दौड़ के दो रन लिए। काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी के साथ अल फताह का स्कोर हो गया है 38 for 2 5.1 ओवर। साहिल माल जी बॉल करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने गेंद की इसाक को और ये कीपर के ऊपर से कैच गई और ये गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में दूसरा चौका लगाया इसाक पटेल ने। इस तरीके से अल फताह का स्कोर हो गया है 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। साहिल माल जी बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं इसाक पटेल को। साहिल ने गेंद की इसाक पटेल ने इसे खेलने की कोशिश की कामयाब हुए लेकिन एक रन बना पाए मिड ऑन की जानिब। साहिल माल जी गेंद करने के लिए आ रहे हैं इलियास को। साहिल ने गेंद की इलियास को और इलियास ने खेला है कवर की जानिब और ये ओवर थ्रो हो गया जिसकी वजह एक रन का इजाफा हुआ स्कोर में। साहिल माल जी गेंद करने के लिए आ रहे हैं इसाक पटेल को। साहिल ने गेंद की और इसाक पटेल ने इसे खेल दिया है मिड विकेट की जानिब से 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इस ओवर में। तीसरा चौका इसाक पटेल की तरफ से। इसी तरह से ये पहले ओवर में साहिल माल जी को 15 रन दिए हैं उन्होंने। 17 रन पहली ओवर में। इसी तरह से अल फताह का स्कोर हो गया है 50 रन 2 विकेटों के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति पर। किसके साथ कर रहे थे? वो तो आवाज जाएगा, आवाज जाना चाहिए बस। पचास तो किसी ने होगी नहीं। अच्छा अच्छा मोहसिन पटेल अपनी इनिंग्स का 7वां ओवर लेके आ रहे हैं और उनके सामने इलियास स्ट्राइक पे है। अभी फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं। दादा छक्का मार।
मोहसिन पटेल बॉलिंग करेंगे इलियास को। मोहसिन आए, उन्होंने गेंद की इलियास को और ये स्लिप की तरफ से बॉल निकलता हुआ एक रन के लिए। इस तरह से एक रन का इजाफा हुआ स्कोर में, अल फतह के स्कोर में एक रन का और इजाफा। मोहसिन पटेल गेंद करेंगे इसाक पटेल को। मोहसिन पटेल ने गेंद की इसाक को और इसाक ने इसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब और ये दो रन का इजाफा हुआ। इसी के साथ इसाक पटेल का स्कोर हो गया है 38, 40 रन। उन्होंने 20 गेंदें खेली हैं। मोहसिन पटेल आ रहे हैं गेंद करने के लिए इसाक पटेल को। मोहसिन ने गेंद की इसाक पटेल को और इसके ऊंचा शॉट खेला है और ये गैप में गिरी गेंद। इसी के साथ दो रन का इजाफा हुआ इसाक पटेल के स्कोर में और अल फतह के स्कोर में। और अभी यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है। देखना है कि कहाँ तक ये बारिश इफेक्ट करती है मैच में। हल्की हल्की बूंदाबांदी और मौसम काफ़ी खूबसूरत मौसम हो रहा है। मोहसिन पटेल गेंद करने के लिए आ रहे हैं इसाक पटेल को। मोहसिन ने गेंद की और इसाक पटेल ने इसे खेला है ऑफ साइड। एक ही रन बनेगा वहां पे और एक ही रन लिया उन्होंने। मोहसिन पटेल गेंद करने के लिए आ रहे हैं इलियास को। मोहसिन ने गेंद की इलियास को, ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई है। कीपर ने स्टंप गिराया है लेकिन नॉट आउट। इसके साथ 7 ओवर मुकम्मल हुए और स्कोर है अल फतह का 56/2 इन 7 ओवर। इसाक पटेल नॉट आउट 43 इन 22 बॉल। इलियास 2 रन फ्रॉम 7 बॉल नॉट आउट। बॉलिंग में चेंजेस हुई है, अब्दुल शेख को बॉलिंग दी गई हुई है। रेम्बो पार्क एंड से बॉलिंग कर रहे हैं अब्दुल शेख, अपना पहला ओवर लेके आ रहे हैं और उनके सामने है इसाक पटेल। बारिश हल्की हल्की तेज हो रही है। अब्दुल गेंद करने के लिए जा रहे हैं इसाक पटेल को। Thank you.
अब्दुल की पहली गेंद इसाक पटेल को, और इसाक पटेल ने इसका मिस किया। काफ़ी अच्छी गेंद थी, कीपर ने बॉल कलेक्ट करते हुए वापस बॉल दी अब्दुल को। अब्दुल की दूसरी गेंद इसाक पटेल को, शॉर्ट पिच और इसाक पटेल ने इसे खेल दिया है, और ये बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। काफ़ी खूबसूरत स्ट्रोक था इसाक पटेल का। इसी के साथ अल फतह का स्कोर हो गया 60 for 2, 7.2 बॉल। इसाक पटेल 47 नॉट आउट इन 24 बॉल। अब्दुल की तीसरी गेंद इस ओवर की, इसाक पटेल ने इसे खेला है ऑफ साइड, कोई रन का इजाफा नहीं हुआ। अब्दुल शेख चौथी गेंद लेकर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद की और ये रिवर्स तरीके से खेला है इसाक ने, और ये 4 रन, एक और चौका। इस चीज के साथ इसाक पटेल की 50। कॉन्ग्रेचुलेशन टू इसाक पटेल, फैंटास्टिक नॉक बाय इसाक पटेल, 51 नॉट आउट इन 26 बॉल। अब्दुल की आखिरी गेंद इसाक पटेल को, और फिर ऑफ साइड खेला है, और देखना है कि ये 4 रन होंगे या नहीं, और ये 4 रन। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला इसाक पटेल ने एक बार फिर। इसी के साथ इसाक पटेल का स्कोर हो गया 55 in 27 बॉल। अल फतह 68 for 2 इन 7.5 ओवर। अब्दुल अपनी आखिरी गेंद लेके आ रहे हैं, इन्होंने गेंद की और ये बहुत ही अच्छा शॉट खेला है 6 रन के लिए, बहुत ही शानदार छक्का। इसाक पटेल, आई टोल्ड यू गाइस बिफोर, वॉच आउट इसाक पटेल, व्हाट अ प्लेयर ही इज, व्हाट अ टैलेंटेड प्लेयर इसाक पटेल। 61 नॉट आउट इन 28 बॉल। अल फतह 74 for 2 इन 8 ओवर। मामा देखो तो कितनी चार्जिंग बता रही है, 74 for 2। वो टाइप से नहीं चल रहा, कोई भी नहीं चल रहा, ये किस हालत है। अभी क्या वहां से नहीं हल दिया भाई, ये अभी हो गया, अभी हो गया। लाइव कब से, लाइव तो चालू है, लाइव से चालू है कब से। आगे बढ़ाते हुए उनके सामने इलियास मोहसिन आए, उन्होंने गेंद की इलियास को, और इलियास ने इसे खेला है, धीरे से खेला ऑफ साइड, एक रन लेना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। कुर्सी लाओ बेटा, ना नेक्स्ट संडे ना अपन उठी लाओ, देख ही नहीं बस ये बोले कि ले साहब का बंगाल का एक टेबल्स का इशू है, उनके टीम पे अभी तो फीट है मामा, मामा क्या समझता है भाई, बड़ा भी इसके साथ समय के साथ। मोहसिन पटेल आए, उन्होंने गेंद की इलियास को, इशाक को, और इशाक खेलना चाहते थे ऑफ साइड लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ बॉल। इलियास सॉरी, माफ़ करना इलियास पटेल। अभी इसाक और इलियास पटेल विकेट के दरमियान बात कर रहे हैं क्या किया जाए। इलियास पटेल बोखला मोहसिन पटेल बॉल करने के लिए आ रहे हैं इलियास को, मोहसिन ने गेंद की और इलियास ने आहिस्ता से खेला ऑफ साइड की जानिब, कोई रन का स्कोर में कोई रन का इजाफा नहीं हुआ।
अमन कुकला जो एक बात का मोहसिन पटेल मोहसिन पटेल आए उन्होंने गेंद की इलियास को और अच्छा स्ट्रोक खेला है लेकिन सिर्फ एक ही रन बनेगा। साहिल मालजी ने फील्ड की और एक ही रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। इस तरीके से अलफता का स्कोर हो गया है 75 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 8.5 ओवर आखिरी गेंद बाकी है 9वें ओवर की। इशाक पटेल नॉट आउट 61 फ्रॉम 28 बॉल। इलियास नॉट आउट 3 in 12 बॉल। 9वें ओवर की आखिरी गेंद मोहसिन पटेल गेंद करेंगे इशाक को। मोहसिन पटेल आए उन्होंने गेंद की डिफेंसिव स्ट्रोक खेला और इसी के साथ 9वें ओवर का खात्मा हुआ। अलफता 75 for 2 in 9 overs। बॉलर कौन इम्तियाज हैं नजार ये पटेल है ना नजार पटेल। और बॉलिंग में तब्दीली हुई है बॉलिंग में चेंज किया है एनसीसी ने नजार पटेल यंग टैलेंटेड बॉलर नजार पटेल। नजार पटेल अपना पहला ओवर लेके आ रहे हैं और उनके सामने है इलियास पटेल। अलफता 75 for 2 in 9 overs। नजार पटेल अपने ओवर की पहली गेंद इलियास पटेल को और इलियास पटेल ने इसको खेल दिया है मिड विकेट की जानिब। एक रन बनेगा इस तरह से एक रन लिया इलियास पटेल ने। और स्ट्राइक पे आए हैं इशाक पटेल। नजार पटेल गेंद करने के लिए आ रहे हैं इशाक को और इशाक ने इसे खेल दिया है बॉल बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग की प्लेयर्स ने और एक ही रन बना पाए। काफी अच्छा स्ट्रोक था लेकिन एक ही रन बना। नजार पटेल बॉलिंग कर रहे हैं इलियास पटेल उनके सामने बैट्समैन। नजार ने गेंद की इलियास को और इलियास ने इसको खेलने की कोशिश की ऊंचा शॉट लगाने की लेकिन बॉल ग्राउंड पर होती हुई एक रन के लिए। नजार ने अपनी बॉलिंग की और इस तरह से एक रन मुकम्मल हुआ। नजार पटेल गेंद करने के लिए आ रहे हैं इशाक पटेल को और आहिस्ता से खेलते हुए एक रन लिया उन्होंने। अजीब भाई नेक्स्ट वीक को ना मैं तुम्हारे लिए प्लान करता हूँ चेयर खाली ऊंची हो जाएगी ना तुम देखे बैठे या फिर मैं क्या करूँगा खबर लैपटॉप का प्लान करता हूँ बैठ के लैपटॉप में तुम देखे ना वहाँ पे वो पता है लाइव कमेंट्री में वैसा चलता है ना वैसा करता है। नजार पटेल बैठ के आराम से गेंद करने के लिए आ रहे हैं इलियास पटेल को। नजार ने गेंद की और इलियास पटेल ने इसे ऑफ साइड खेला है कोई रन नहीं बना। नजार पटेल एक बार फिर से और इलियास ने ऊंचा शॉट खेला है मिड विकेट की जानिब से और ये 4 रन। बहुत ही खूबसूरत चौका इलियास पटेल की तरफ से। इस तरीके से 10 ओवर के खात्मे पर 83 for 2 अलफता। टाइम आउट 2 मिनट्स स्ट्रेटजिक टाइम आउट फॉर 2 मिनट्स।
ना ना नहीं बोले एक पर्सन अब भी मोकलो तो हाईलाइट बताए नी हूँ तमने नवी लिंक मोकलो आ बीजे नवी मैच चाले नहीं ખેલન કાયમ છે મને તો છો કે પગા ધકો ને એમને એ કઈ ગયું ઇન પર મારી ગાડી ચાવી છે કોમ કરી ખાલી ને લેને છે ને આ ગયો છે તો હું બાય બાય ખેલન છોકરે નહીં જો ખેલન છોકરે નહીં કોઈ ફેરન ને ફેરન તો બેર છે કે જાન એ બધા ને બોલ બેર બોલ ના હેલા છોકરા ગયા भाई फोन कर भाई साहब मान रहे हो फोन पाई घुसे देखते हैं अभी थोड़ा अगर भाई साहब जाते चालू होगा पर वेदर का है कुछ तेरे पास सब चालू वहां से बारिश गिरेगा सब सर्दी फटेगी ना मैं आज जो है ना वेदर जो लो पहले उभर और हाथ खासो से के मैं साथ पड़ी है बात गया तो ये चले ब्रेक 2 मिनट्स बोल दे एक भाई आसिफ भाई ने हैं बोल बोल अरे ना अब तो किसी के लैपटॉप लैपटॉप लेने आओ तो प्रॉपर्ली करिए आओ कहां तो नहीं है बस समो दो मिनट्स का इनिंग ब्रेक ख़त्म हुआ और गेम फिर से स्टार्ट होने जा रही है। मोहसिन पटेल के हाथ में गेम है और वो गेम करने जा रहे हैं इसाक पटेल को। 10 ओवर समाप्त हो चुकी है 83/2 और ये 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 33 गेंदों पे इसाक पटेल और इलियास पटेल के बीच में। बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन गेम ऑन है। मोहसिन पटेल 11वीं ओवर की पहली गेंद इसाक पटेल को और आहिस्ता से खेला, एक रन लेना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। हुसैन हुसैन मोहसिन पटेल अपने ओवर की दूसरी गेंद इसाक पटेल को और इसाक पटेल ने इसे खेल दिया है लेग की तरफ, एक रन बनेगा और एक ही रन लिया उन्होंने। तारा मशक तक का कैसे तारा मशक 1054 पे मोहसिन पटेल अपनी ओवर की तीसरी गेंद इलियास पटेल को और इलियास पटेल ने खेला है ऊंचा और अदनान पटेल बॉल के नीचे और ये कैच कर लिया है। बहुत ही आसान कैच, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने कैच किया। इसी तरह से अल फतह का ये तीसरा विकेट गिरा, इलियास पटेल आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ।
इलियास पटेल ने 16 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाए। 84 for 3 अल्फता 10.3 ओवर्स। कौन है नेक्स्ट चुपिन? नेक्स्ट कौन? रयान। अब लोग कॉमेडी में आसान आसान है कि बहन जो सब पटेल है। पटेल है जो पटेल है। खाली आंसू डी के सिवा। तेज हो रही है बारिश। बारिश अभी तेज हो रही है, देखना है कि मैनेजमेंट क्या फैसला करती है, दोनों अंपायर गेम को कंटिन्यू किया जाए या रोक दिया जाए थोड़ी देर के लिए, देखना है अब अंपायर क्या डिसाइड करते हैं। कौन अयन? अयन कौन और अभी अपने फैजल पटेल जा रहे हैं संचालक इस टूर्नामेंट के, और वो डिस्कस करेंगे प्लेयर से और अंपायर से कि गेम को कंटिन्यू किया जाए या स्टॉप कर दिया जाए। इसी के साथ बारिश का मौसम आसिफ भाई उठो को बारिश का मौसम उठो बोलो कहीं बोलो सॉन्ग वगैरह सॉन्ग वगैरह भाई हां सॉन्ग वगैरह सही ना है बारिश है बस તમારે અહીં રહેવાનું જ નહીં હવે એવડી બી સન્ડે સન્ડે અમને દેખે પેલી ચેર લાવજો હવે મહેરબાની કરીને ના ના મંગાઈ બોલ ફળવાવાળી ઓલરેડી મંગાઈ ઉપર એમ બેહે ફર્સ્ટ ક્લાસ મોહસિન પટેલ બોલિંગ કરેગે કાસિમ કો મોહસિન પટેલ આયે ઉન્હોને ગેંદ કી કાસિમ કો ઓર લેગ લેગ કી તરફ ખેલા હે વહાં પે પ્લેયર ને ફિલ્ડિંગ કિયા ઓર ફોર રહી નહીં કોઈ રન નહીં બના બારિશ आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही है, देखना है कि ये गेम कंटिन्यू करेंगे। मोहसिन पटेल एक बार फिर से उनके सामने है कासिम। मोहसिन पटेल ने गेंद की कासिम को और कासिम ने इसे खेल दिया स्ट्रेट ड्राइव और एक रन लेना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं। वहाँ पे साहिल माल जी ने अच्छी फील्डिंग का मजारा किया और अपनी टीम की तरफ से एक रन बचाया। साहिल माल जी यंग बॉय टैलेंटेड बॉय फ्रॉम मालजी फैमिली इम्तियाज मालजी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू योर सन इज प्लेइंग। और ये गेंद कोई रन नहीं बना। इसी के साथ 11 ओवर्स का खेल खत्म हुआ जिसमें अल्फता ने 84 रन बनाए और 3 विकेट गिरी हैं उनकी। बारिश तेज होती हुई बारिश आहिस्ता आहिस्ता काफी तेज होती जा रही है, आप देख रहे हैं ग्राउंड पे। नेक्स्ट संडे को बांग्लादेश के हमारे भाई हफ्सा इलेवन की तरफ से खेलेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उनकी भी काफ़ी अच्छी टीम है। नेक्स्ट वीक खेलेंगे संडे को और ये टूर्नामेंट एवरी संडे को खेलेंगे, 2 मैच सुबह में और दोपहर के बाद, एवरी संडे 2-2 मैच। एटी फोर फॉर थ्री इन 11 ओवर। नए बैट्समैन आए हैं अभी रफीक पहला
नजार पटेल बॉलिंग करेंगे इसाक पटेल को, काफी अच्छी फील्डिंग प्लेसमेंट की हुई है। नजार पटेल आए, उन्होंने गेंद की इसाक को और इसाक ने इसे डिफेंसिव खेला, कोई रन नहीं बना। ओवर पटन तो फिल्म म्यूजिक को अगर जाए किस बेटी ये भाई हो किधर मेरे पास नंबर ना थी बताना ही नो प्रॉब्लम आ कोई जो मैंने कॉल करी थी ये तो मैं गान होगा उनको सीमा बताए कि म्यूजिक को करो एवरी ओवर राइट नो प्रॉब्लम रिक्वेस्ट आई हिट भाई इले कोई जोए बावा 120 जने तो आपने जोई ली थी मैच वाले यहां नवी मैच। नजार पटेल गेंद करने के लिए आया, उन्होंने गेंद की इसाक को और इसाक इसको खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। अच्छी गेंद थी नजार पटेल, एक बार फिर से इसाक पटेल को, निजार ने गेंद की और इसाक पटेल ने इसको खेला ऑफ की तरफ और एक रन बनेगा और एक ही रन बना। नजार पटेल गेंद करने के लिए आ रहे हैं रफीक को, नजार आए उन्होंने गेंद की और रफीक ने इसको खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए, कोई रन नहीं बना। नजर पटेल एक बार फिर से गेंद की रफीक को और ये बाय कीपर के हाथ से निकल गई ये गेंद और एक रन का स्कोर में इजाफा हुआ अलकता के स्क्वायर में। नजार पटेल एक बार फिर से, उन्होंने गेंद की इसाक को, शॉर्ट पिच गेंद और इसाक ने इसे खेला मिड विकेट की जानिब और एक रन का इजाफा हुआ। अलफता 87/3 11.5 बॉल, नजारा है उन्होंने गेंद की और ये बोल्ड कर दिया रफीक को, इसी के साथ अल फला का स्कोर हो गया 87 runs for 4 wickets 12 ओवर और बारिश काफ़ी तेज हो गई है इसलिए अंपायर ने डिसीजन लिया है कि पिच को कवर कर दिया जाए। ये आप देख रहे हैं सारे प्लेयर्स वॉकआउट कर रहे हैं मैदान से, तो बारिश की वजह से ये मैच अभी थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। अब देखते हैं कि कब मैच वापस शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम और व्यूअर्स, सॉरी बारिश की वजह से ये दोनों टीमों के दरमियान मैच अबंडन कर दिया गया है और दोनों टीमों को दो दो पॉइंट दिए गए हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक संडे को दोबारा आएंगे तुम्हारे सामने लाइव और बहुत बहुत जजाकल्लाह शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड appreciate our whatever coverage mistake, sorry, we try our best for you, so give us good support, we need your support and once again thank you very much for watching Nirvana Premier League from Faisal on behalf of Faisal Patel and every management group, thank you, Jazakallahu khair.